मेदार फिर से बारिश शुरू हो गई है। मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। सायन हिंद माता में पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है। बारिश की वजह से लोकल ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। कल्याण, भिवंडी और नवी मुंबई में लोगों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। कल्याण में रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। फिलहाल दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक हिंद माता से और दूसरी सायन से, और दोनों ही जगह सड़कों पर बेतहाशा पानी है। अभिषेक शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर मुंबई से। अभिषेक, हिंद माता और सायन की हालत हम देख रहे हैं, पता चल रहा है लगातार वहां पर बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। फिलहाल मुंबई की हालत क्या है ताजा? बिल्कुल, देखिए कुछ ही घंटों से मुंबई में तेज बरसात शुरू हुई है राजीव, और यह बरसात मुंबई के कह सकते हैं मुंबई बरसात और जगहों पर होती है तो राहत लेकर आती है, मुंबई में बरसात होती है तो आफत लेकर आती है, और यह आफत मुंबई करों के लिए आज शनिवार रविवार का दिन यहाँ पर लेकर आया। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है अगले 24 घंटों में और तेज बरसात हो सकती है, लेकिन मुंबई की पिछले एक घंटे की बात करें, एक घंटे से कुछ इलाकों में तेज बरसात शुरू हो गई है, जिसकी वजह से दादर की बात करें, हिंद माता साइड में, साथ ही सायन इलाके में, तिलक नगर में कुछ इलाकों ऐसे हैं जहां पर पटरियों पर, रेल पटरियों पर, साथ ही साथ सड़क पर पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को यातायात में दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन आज लोगों के लिए थोड़ा सा राहत की बात यह है कि आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, इसमें सड़कों पर उतनी अधिक भीड़ नहीं है, जिसकी वजह से बहुत अधिक लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन हाँ, जरूर है कि बरसात तेज होने की वजह से, पूरे मुंबई में बरसात तेज है लेकिन कुछ इलाकों में बरसात तेज है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी अभिषेक, फिलहाल रविवार होने की वजह से हालात थोड़े से संभले हुए हैं, लेकिन सोमवार यानी कल अगर यही हालात रहे तो मुंबई में वाकई आफत की बारिश कही जाएगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स इस वक्त मुंबई के देने के लिए।